एसआईटी की टीम विकास दुबे के मामले में जांच के लिए बिकरू गांव से लेकर शिवली और चौबेपुर थाने तक छानबीन कर रही है। कोशिश है कि विकास दुबे के आतंक के सामने आखिर कोई मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं था। ऐसी क्या बात थी कि विकास दुबे जो चाहता था वही होता था और बाकी सब दंडवत रहते थे। ये रिपोर्ट देखिए। बिकरू गांव के लोगों ने अब तक विकास दुबे का अपराध ही देखा है। देखा है कि कैसे विकास ने लोगों को सताया, परेशान किया और जो मन किया उसे अपने हिसाब से किया। लेकिन अब बिकरू गांव के लोग शायद पहली बार अधिकारियों की इतनी लंबी फौज देख रहे हैं। पुलिस और यूपी सरकार के अधिकारियों की इतनी लंबी फौज बिकरू गांव के लोगों ने शायद ही पहले कभी देखी हो। अब विकास दुबे तो दुनिया में नहीं है, लेकिन बिकरू गांव में उससे जुड़ी जितनी बातें हैं एसआईटी और यूपी पुलिस उसे जान लेना चाहती है। पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की और फिर पूरा काफिला पहुंचा शिवली थाने। एसआईटी की जांच शुरू होते ही आप देख रहे हैं कि किस तरह की हलचल यहां पर मची हुई है। एक के बाद एक दूसरे गांव में थाने में जांच पड़ताल चल रही, लोगों को बुलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरीके का खौफ था विकास दुबे का। हमारे आस पास जो आप अफसरों का जो काफिला देख रहे हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर आपको नजर आ जाएंगे। शिवली थाने के बाद अब चौबेपुर थाने की तरफ रुख किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 20 साल में विकास दुबे का आतंक कैसे तारी हो गया। जो नया महकमा है, जो पुलिस के जो नए अधिकारी इसमें लगाए गए हैं, वो भी यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। एसआईटी की टीम ने भी डेरा डाल दिया, यानी स्थिति बहुत साफ है। कोशिश इस बात की है कि विकास दुबे का आतंक खत्म हो गया, अब अगर उसके गुर्जे भी बचे हैं तो उनके आतंक को भी खत्म कर दिया जाए। कुछ घंटों की पूछताछ में शिवली थाने से विकास दुबे का आपराधिक इतिहास निकाला गया और फिर इस बात को भी समझने की कोशिश हुई कि राज्य मंत्री की हत्या के बाद भी किस दबाव में पुलिस वाले कोर्ट में मुकर गए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.